प्रदेश मेरठ जगह जगह किया गया सैनिटाइजर। नगर निगम टीम ने किया सैनिटाइजर। टीम ने 3 गाड़ियों से जगह जगह सैनिटाइजर किया। हापुड़ अड्डा, इंदिरा चौक, चौराहा, बेगमपुर, कई अन्य स्थानों को सैनिटाइज किया। टीम से पता चला कि सुबह से लेकर रात तक यह 5 बार सैनिटाइज करेंगे, जिससे हर तरफ के कीटाणु व वायरस नष्ट हो जाएंगे। पुलिस का भी बहुत सहयोग हुआ और जनता ने पीएम नरेंद्र मोदी की अपील का भी सहयोग किया। वहीं मेरठ की सारी सड़कें, सारे बाजार सुनसान देखने को मिले। जहां लोग जाम से जूझते थे, वही शांति का माहौल बना हुआ है। सारी सड़कें सुनसान पड़ी है वो पब्लिक ने जनता कर्फ्यू का पूरा समर्थन किया। सर क्या नाम है आपका? अरुण कुमार खगोलिया, जोनल ऑफिसर, नगर निगम मेरठ। सर आज हापुड़ अड्डे पे सैनिटाइजर किया जा रहा है, और इस यहाँ से अलावा कहाँ कहाँ किया आप? नगर निगम द्वारा हर एक वायरस को मारने की जिद कर ली है, चाहे वो कोरोना को या दूसरा वायरस हो। नगर निगम द्वारा प्रतिदिन 2 वार्डों में सैनिटाइज कराया जा रहा है। 8 वार्ड 64 में कर दिया गया है, इस टाइम वार्ड 29 में चल रहा है। ये पूर्वा शेखलाल है, सुबह के समय सैनिटाइज कराया जाता है बिजली पाटा घोल से, और शाम को टाइम 5 वार्ड हमारे यहाँ जोन में खोई होती है। कितने लोगों की टीम है सर आपके साथ? हमारे साथ 3 टैंकर हैं, और जो है 5 टीम हमने जो खोई के लिए बनाई गई है। 3 टैंकर हमारे निकले हुए ये स्प्रे कर रहे हैं। सर इसमें सैनिटाइजर में कौन कौन सी दवाई यूज़ होती है? इसमें जो है पानी के साथ में ब्लीचिंग पाउडर मिलाया हुआ है। ब्लीचिंग पाउडर जो है एक शक्तिशाली कीटाणु मारने का दवाई होती है, वो ये हर प्रकार के कीटाणु मार देती है, चाहे वो कोरोना हो किसी का, जो इसके संपर्क में आएगा तुरंत मर जाएगा। मेरठ से लखन कुमार की रिपोर्ट, GNA इंडिया।